हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। एंड दोस्तों, अगर आपके पास पोको X3 Pro का डिवाइस है या फिर दोस्तों अगर आप एक पोको X3 Pro डिवाइस को परचेस करना चाहते हैं सेल में, तो दोस्तों ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसी गेमिंग फ़ोन जो कि पोको X3 Pro डिवाइस के कुछ बचे हुए टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, कुछ अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स मतलब कि फीचर्स इस फ़ोन में कैसे इनेबल कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। वैसे दोस्तों पोको X3 Pro जो कि अंडर 20,000 के प्राइस पॉइंट पर काफ़ी क्लियर डिवाइस है, एंड मुझे पता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग इस फ़ोन को सेल में परचेस करना चाहते हैं। सो गाइस, अगर आपको इस पोको X3 Pro डिवाइस के बारे में सारे फीचर्स के बारे में जानना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको जरूर देखना है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे तो इस फोन में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। एंड दोस्तों अगर आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट या फिर 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मैनुअली चेंज करना है तो डिस्प्ले के सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे के साइड में देखेंगे रिफ्रेश रेट के ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिंपल आप रिफ्रेश रेट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास 120 हर्ट्ज, उसके नीचे देखेंगे 60 हर्ट्ज, ऐसे दो ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सो अगर आपको मैनुअली 120 हर्ट्ज या फिर 60 हर्ट्ज जो भी इनेबल करना है उसको इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। वैसे दोस्तों इस पोको X3 Pro डिवाइस में आपको आउट ऑफ द बॉक्स MIUI 12 का अपडेट मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आपको लेटेस्ट न्यू कंट्रोल सेंटर को इनेबल करना है तो सिंपल आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर में जाना है, उसके नीचे देखेंगे आपको कंट्रोल सेंटर स्टाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके अंदर आने के बाद आपको ओल्ड वर्जन, उसके बाद न्यू वर्जन जो कि MIUI 12.5 जैसा आपको कंट्रोल सेंटर इनेबल करना है तो सेटिंग में जाने के बाद इस टाइप से देखेंगे कंट्रोल सेंटर को इनेबल कर सकते हैं। कंट्रोल सेंटर स्टाइल में जाने के बाद आपको पुराना ओल्ड जो कि MIUI 11 जैसा कंट्रोल सेंटर या फिर MIUI 12 जैसा कंट्रोल सेंटर जैसा चेंज करना है वैसा चेंज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे पोको X3 Pro डिवाइस के नेक्स्ट फीचर्स के बारे में जो कि है फ्लोटिंग विंडो। वैसे दोस्तों रिसेंट टाइम में जाने के बाद आपके पास देखेंगे इस डिवाइस में शॉर्टकट के जरिए फ्लोटिंग विंडो इनेबल करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आपको पोको X3 Pro डिवाइस में फ्लोटिंग विंडो को इनेबल करना है तो आप आसानी से इनेबल कर सकते हैं। आपको किसी भी वीडियो प्लेयर को ओपन करना है, जैसे कि गैलरी है, MX प्लेयर, उसके बाद ऑनलाइन स्ट्रीमिंग यूट्यूब है, किसी भी प्लेयर को ओपन करने के बाद लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड में वीडियो टूलबॉक्स को ओपन करना है जो कि स्वाइप करने के बाद आपके पास ओपन हो जाता है। सो वीडियो टूलबॉक्स में आप देखेंगे नीचे के साइड में काफी सारे ऑप्शन है, मतलब एप्लीकेशन के ऑप्शन है। सो किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट फ्लोटिंग विंडो में कन्वर्ट हो सकते हैं। एंड दोस्तों फ्लोटिंग विंडो के बाद अगर आपको मिनी विंडो में कन्वर्ट करना है तो रिसाइज करके उसको मिनी विंडो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर टैप करने के बाद रिटर्न फ्लोटिंग विंडो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप से देखेंगे फ्लोटिंग विंडो को ओपन करना है तो वीडियो टूलबॉक्स इस फीचर्स की मदद से इस डिवाइस में फ्लोटिंग विंडो को इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इस डिवाइस में आपको लेटेस्ट ऐप ड्रॉवर मतलब कि पोको लॉन्चर का सपोर्ट मिलता है। एंड दोस्तों जो पोको लॉन्चर है उसमें आपको नेविगेशन बार का भी सपोर्ट मिलता है, मतलब कि एंड्रॉइड 11 होने की वजह से इस फोन में आपको नीचे के साइड में नेविगेशन बार का भी सपोर्ट मिलता है। एंड दोस्तों नीचे के साइड में देखेंगे कलर वाइज अगर आपको जो भी एप्लीकेशन ओपन करना है तो कलर वाइज भी कैटेगरी वाइज उन एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। ऊपर के सर में देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज भी आपको इस ऐप ड्रॉअर में देखने को मिल जाते हैं। एंड यही नहीं दोस्तों, सेटिंग में जाने के बाद जो होम स्क्रीन की सेटिंग रहती है उसके अंदर जाने के बाद अगर कोई इस ऐप ड्रॉअर की सेटिंग को चेंज करना है, बैकग्राउंड चेंज करना है, ट्रांसपेरेंट सेट करना है, उसके बाद आइकॉन पैक्स है, आइकॉन की साइज है, सारी कस्टमाइजेशन की सेटिंग्स आपको इस ऐप ड्रॉअर में देखने को मिल जाते हैं। सो अगर आपको कस्टमाइज करना ऐप ड्रॉअर तो इजीली सेटिंग में जाने के बाद इस ऐप ड्रॉअर की सेटिंग को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे तो इस फोन में आपको इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी फीचर मिल जाता है। सो कंट्रोल सेंटर को ओपन करने के बाद आपके पास देखेंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का आइकॉन देखने को मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे अगर आपको अपनी फुल स्क्रीन जो कि HD प्लस में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है तो उसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। एंड दोस्तों यही नहीं, अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कुछ इनबिल्ट सेटिंग करना है, जैसे कि आप देखेंगे आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद जो भी रिजोल्यूशन है उसके बाद देखेंगे वीडियो क्वालिटी है, ओरिएंटेशन है, साउंड सोर्स जो कि आप देखेंगे सिस्टम साउंड है, उसके बाद देखेंगे जो भी माइक का साउंड है उसको इनेबल करना है तो उसको भी इनेबल कर सकते हैं, फ्रेम रेट से, जैसे कि काफी सारी सेटिंग्स आप देखेंगे इस इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाते हैं। तो आपको किसी भी टाइप से थर्ड पार्टी रिकॉर्डर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जो कि आपको स्पेशल फीचर्स में देखने को मिल जाएगा। तो स्पेशल फीचर्स में जाने के बाद देखेंगे आपको वीडियो टूलबॉक्स का फीचर मिल जाता है। वैसे दोस्तों वीडियो टूलबॉक्स के बारे में आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही पता होगी, लेकिन दोस्तों जो वीडियो टूलबॉक्स है इस फोन के लिए काफी स्पेशल वीडियो टूलबॉक्स है। क्योंकि दोस्तों पोको X3 Pro जो कि एक गेमिंग डिवाइस है, एंड दोस्तों इस गेमिंग डिवाइस में देखेंगे वीडियो टूलबॉक्स में काफी सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। जैसे कि दोस्तों वीडियो टूलबॉक्स ओपन करने के बाद आपको फिलहाल के लिए कोई
फीचर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 12.5 को इंस्टॉल करने के बाद इसी वीडियो टूलबॉक्स में देखेंगे ऑटो रिफ्रेश रेट, उसके बाद देखेंगे डॉल्बी एटमॉस फीचर्स है, उसके बाद देखेंगे साउंड क्वालिटी है, काफी सारे फीचर्स आप देखेंगे नीचे के साइड में इनेबल होने वाले हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों आप देखेंगे साउंड क्वालिटी, जिसमें आपको क्लैरिटी, उसके बाद देखेंगे वॉल्यूम, ऐसे फीचर इनेबल है, लेकिन फ्यूचर में 12.5 के बाद आपके फोन में डॉल्बी एटमॉस एंड ऑटो रिफ्रेश रेट काफी सारे फीचर्स इसी वीडियो टूलबॉक्स में इनेबल होने वाले हैं। तो 12.5 अपडेट जल्दी से जल्दी इसमें इंस्टॉल कीजिए। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे इस पोको एक्स प्रो डिवाइस के गूगल पैड, उसके बाद मैसेज पैड के बारे में। तो दोस्तों दोनों के दोनों एप्लीकेशन आपको गूगल के देखने को मिल जाते हैं, और दोस्तों कंपनी ने गूगल के साथ पार्टनरशिप किया, तो आपको काफी सारे लॉन्ग टाइम के लिए इसमें आपको गूगल के डायलर पैड, उसके बाद मैसेजिंग पैड देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों गूगल पैड में देखेंगे आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का भी फीचर देखने को मिल जाता है, लेकिन दोस्तों ये जो कॉल रिकॉर्डिंग के फीचर से ऑन होने के बाद आपको अनाउंसमेंट होती है, मतलब कि सामने वाले बंदे को पता चल जाता है आपने गूगल में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है। इसके बाद दोस्तों काफी सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमारे फोन में, मतलब कि पंच होल में नोटिफिकेशन लाइट, जो कि मल्टी कलर नोटिफिकेशन लाइट, कैसे इनेबल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बाय डिफॉल्ट तो ऐसा कोई फीचर तो देखने को नहीं मिलता है, बस इस फीचर को आपको इनेबल करना पड़ता है, ताकि आप देखेंगे चार्जिंग लगाने के बाद या फिर कोई भी नोटिफिकेशन आने के बाद आपको जो भी पंच होल है उसमें कलरफुल नोटिफिकेशन लाइट कैसे इनेबल कर सकते हैं, उसके बाद कुछ एनिमेशन के साथ। तो दोस्तों काफी इजी मेथड से नोटिफिकेशन लाइट को इनेबल कर सकते हैं। सिंपल आपको गूगल प्ले स्टोर से एक छोटी सी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, जिसका नाम है एनर्जी रिंग कैमरा नॉच एंड बैटरी इंडिकेटर। एंड दोस्तों इसके बारे में मैंने एक डिटेल में स्पेशल वीडियो बनाकर रखा है, कैसे नोटिफिकेशन लाइट अपने पंच होल में इनेबल कर सकते हैं। सो गाइस अगर आपको स्पेशल वीडियो देखना है नोटिफिकेशन लाइट का, तो ऊपर आई बटन पे देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करके उस स्पेशल वीडियो को चेकआउट करके देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इस पोको एक्स थ्री प्रो डिवाइस में आपको एमोलेड डिस्प्ले तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, उसके बाद जो नोटिफिकेशन लाइट इफेक्ट है, इनकमिंग नोटिफिकेशन के लिए अगर कोई इनेबल करना है तो उसको भी इनेबल कर सकते हैं। एंड दोस्तों दोनों के दोनों फीचर्स काफी प्रॉपरली वर्क करते हैं, आप देख सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर से, उसके बाद देखेंगे एज लाइट इफेक्ट, जैसे कि इनकमिंग नोटिफिकेशन, उसके बाद मैसेज आने के बाद ऑटोमेटिकली लॉक स्क्रीन में ब्लिंक होता है, तो इन फीचर्स को भी इनेबल कर सकते हैं। ऑब्वियसली दोस्तों सारे सारे फीचर्स आपके फोन में ट्रिक यूज करके इनेबल करना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऐसे कोई भी फीचर्स पोको एक्स प्रो में नहीं मिलता है। तो सिंपल आपको प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में जाने के बाद एक छोटी सी एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल होना जरूरी है, ऑलवेज ऑन एमोलेड एज लाइटिंग, जो कि एक छोटी सी एप्लीकेशन अपने फोन में इंस्टॉल होना काफी जरूरी है। वैसे दोस्तों इस एप्लीकेशन के बारे में काफी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके पास होना जरूरी है, एंड मैंने स्पेशल वीडियो इसके ऊपर बना के रखा है, क्योंकि दोस्तों काफी सारी सेटिंग्स रहती है इनेबल करने के लिए, काफी सारे मल्टीपल कस्टमाइजेशन है। सो गाइस अगर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, उसके बाद एज लाइटिंग का डिटेल में स्पेशल वीडियो देखना है, तो वो भी मैंने अपने चैनल पर बना के रखा है। सो गाइस अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करके देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन पे विजिट करके उस स्पेशल वीडियो को देख सकते हैं, एंड अपने फोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एज लाइटिंग फीचर्स को इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों पोको एक्स थ्री प्रो डिवाइस में अगर आपको सुपर लाइव वॉलपेपर इनेबल करना है, तो वो भी इनेबल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने अपने फोन में सुपर वॉलपेपर को इनेबल किया है, जो कि थीम स्टोर में जाने के बाद देखेंगे आपको दूसरे कैटेगरी में सुपर लाइव वॉलपेपर इनेबल हो चुका है। एंड दोस्तों इसी कैटेगरी में, मतलब कि सुपर लाइव वॉलपेपर की कैटेगरी में काफी सारे अपडेट्स आते रहते हैं, एंड इनके अपडेट्स इंस्टॉल करने के बाद आपके फोन में और भी कुछ एक्स्ट्रा सुपर वॉलपेपर्स इनेबल हो जाता है। फिलहाल के लिए दोस्तों आप देखेंगे मेरे फोन में 6 से 7 यहाँ पर सुपर वॉलपेपर्स इनेबल हो चुका है, लेकिन दोस्तों ये जो फीचर्स है बाय डिफॉल्ट आपके फोन में इनेबल नहीं होगा, इसके लिए आपको सुपर वॉलपेपर्स इंस्टॉल करना काफी जरूरी है, एंड लेटेस्ट थीम स्टोर इंस्टॉल करना काफी जरूरी है। इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना के रखा है, सो गाइस अगर को सुपर वॉलपेपर का स्पेशल वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करके देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन पे विजिट करके भी देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों पोको एक्स थ्री प्रो डिवाइस जो कि यार गेमिंग डिवाइस है, सो गाइस गेमिंग करते वक्त अगर आपको रियल टाइम लाइव स्क्रीन में एफपीएस मीटर, उसके बाद फ्रेम रेट्स, ऐसे फीचर्स को इनेबल करना है, तो डेवलपर ऑप्शंस इनेबल करने के बाद उसको इनेबल कर सकते हैं। सो डेवलपर ऑप्शंस कैसे इनेबल करना है वो तो आपको पता चल चुका है कि आपको कंटिन्यूअसली 7 टाइम आपको एमआईओ का वर्जन के ऊपर टैप करना है, उसके बाद एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद आपको डेवलपर ऑप्शन इनेबल करना है। एंड दोस्तों इसी डेवलपर ऑप्शंस के नीचे देखेंगे आपको एक फीचर, मतलब एक छोटा सा फीचर इनेबल करना है, जो कि आप देखेंगे शो रिफ्रेश रेट ऐसे का ऑप्शन सर्च करना है, तो मैंने डेवलपर ऑप्शन इनेबल किया है। सो नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको पावर मॉनिटर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपल आपको क्या करना है उसको इनेबल करना है। जब दोस्तों अगर उसको स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने के बाद आप देखेंगे स्क्रीन पर आपको लाइव स्क्रीन पर कितना एफपीएस चल रहा है सब कुछ चेक कर सकते हैं, कितना बाय डिफॉल्ट रिफ्रेश रेट है वो भी चेक करके देख सकते हैं। सो गेमिंग करते वक्त अगर आपको देखना है तो कितना एफपीएस है, कितना रिफ्रेश रेट है, वो भी आप देखेंगे लाइव स्क्रीन पे, इसको इनेबल करके देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों पोको एक्स थ्री प्रो डिवाइस में देखेंगे आपको गेमिंग के लिए वॉइस चेंजर का भी फीचर मिल जाता है, जो कि गेम टर्बो 3.0 का सपोर्ट है। तो दोस्तों गेमिंग ओपन करने के बाद आप देखेंगे स्पेशल फीचर्स में जाने के बाद अगर आप गेम टर्बो से किसी भी
गेम को लॉन्च करेंगे। सो गेम टर्बो में किसी भी गेम को लॉन्च करने बाद नीचे के साइड में देखेंगे, स्वाइप करने के बाद अगर आप देखेंगे आपको कुछ फीचर यहाँ पे ओपन हो जाता है, उनमें से देखेंगे आपको। उसके बाद स्क्रॉल करने के बाद आपको वॉइस चेंजर का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों वॉइस चेंजर में देखेंगे काफ़ी सारे मल्टीपल आपको वॉइस चेंजर मिल जाता है, रोबोटिक से, मेल है, फीमेल से। उसके बाद देखेंगे काफ़ी सारे मल्टीपल टाइप्स ऑफ वॉइस चेंजर के फीचर्स मिल जाता है। तो रियल टाइम देखेंगे गेमिंग के वक्त अगर आपको वॉइस चेंजर इनेबल करना है तो वॉइस चेंजर को भी इनेबल करके देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों पोको X3 प्रो डिवाइस में आपको साउंड असिस्टेंट का फीचर मिल जाता है, जो कि हम सेपरेट मीडिया साउंड इसको कह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे एक साथ अगर आप दो या फिर तीन एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो मल्टीपल मीडिया एप्लीकेशन यूज करते वक्त अगर आपको सेपरेट वॉल्यूम बार कम ज्यादा करना है तो मीडिया वॉल्यूम बार, उसके बाद देखेंगे पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन का वॉल्यूम है उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट देखेंगे सेपरेट वॉल्यूम बार कम ज्यादा करने का फीचर्स आपको साउंड असिस्टेंट में मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों और भी कुछ हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले हर एक MIUI यूजर्स के पास एक्टिविटी लॉन्चर छोटी सी एप्लीकेशन होना काफी जरूरी है। क्योंकि दोस्तों एक्टिविटी लॉन्चर की मदद से जो भी खुफिया सेटिंग्स रहते हैं हम उसको ओपन करके देख सकते हैं। तो दोस्तों एक्टिविटी लॉन्चर ओपन करना है, एंड दोस्तों एक्टिविटी लॉन्चर ओपन करने के बाद आपको सिंपल सर्च करना है, ऊपर आपको सेटिंग सर्च करना है। एंड दोस्तों सेटिंग को सर्च करने के बाद नीचे के साइड में देखेंगे आपको AI HDR एनहांसमेंट जैसा फीचर देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों इस HDR एनहांसमेंट को इनेबल करने के बाद आपके पोको X3 प्रो डिवाइस की जो भी वीडियो क्वालिटी है थोड़ी सी पंची कलरफुल आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब दोस्तों जो वीडियो क्वालिटी आपको बेस्ट बेटर देखने को मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों जो फीचर्स है कुछ ही गिनी चुनी एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है। तो एक बार इस फीचर को इनेबल करने के बाद कुछ एप्लीकेशन टेस्ट करके देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों उसके नीचे देखेंगे आपको AI इमेज एनहांसमेंट का भी फीचर मिल जाता है। मतलब कि जो भी इमेजेस है फोटो क्वालिटी है उसको थोड़ा सा पंची कलरफुल एंड AI आर्टिफिशियल की मदद से इमेज क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव कर देती है। सो ऐसे खुफिया सेटिंग खुफिया फीचर्स को इनेबल करने के लिए आपके पास एक्टिविटी लॉन्चर होना काफी जरूरी है, जिसकी मदद से काफी सारे फीचर्स को आप आसानी से इनेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप एक पोको X3 प्रो डिवाइस के यूजर है तो दोस्तों चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी डिवाइस के रिलेटेड काफी सारे वीडियोस हमारे चैनल पर आपको रेगुलर देखने को मिलेंगे। सुगज चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। सुगज आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।